जो बोट और नाव चला रहे हैं उनकी बोटों को स्मार्ट कर देते, वहां के लोगों को अच्छा खासा रोजगार बढ़ता। क्या जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है उनके बटुए में पैसा नहीं है तो वो 19 लाख रुपए कहां से देगा, ये सोचने का विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने की बात करी थी पर गरीबी नहीं मिटा पाए, गरीबी मिटा दी है। आज लोगों को खाली अब पत्ते पहनने बाकी रहे, केले के पत्ते पहन लेंगे उस दिन हम विकास में आ जाएंगे, उस दिन हम स्मार्ट बन जाएंगे। क्या आप 19 लाख रुपए देंगी? मेरे पास तो नहीं है। देश का विकास का जो मॉडल बना दिया गया है वो 5 किलो अनाज देके बना दिया गया कि गरीब खुश रहे। और आप बात कर रहे हो कि क्रूज आ गया, अरे क्रूज आ गया तो इससे गरीब का क्या फायदा है? आप मुझे एक फायदा गिनवा दें। अगर आप नमस्कार, आप देख रहे डीएस फोर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। देश के अंदर सौगातों की बौछार शुरू हो गई है। हालांकि पीएम मोदी जब से कार्यकाल संभाले हुए तब से देश को एक के बाद एक बड़ी सौगातों से नवाजा है और कहीं ना कहीं विकास की गंगा को बहते हुए आज फिर से एक बार देश को यानी कि बनारस को बड़ी सौगात दे दी है। और सिर्फ एक नहीं, दो सौगातों से बनारस को नवाजा है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मोहित गोर, उनसे समझेंगे सौगातों को वो कैसे देखते हैं और देश के अंदर एक के बाद एक सौगात और अब तो काशी से प्रारंभ हो गया नई यात्रा। देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आपने बात करी कि पिछले 8 साल के अंदर मोदी जी ने देश को विकास दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी ने काला धन लाने की वापसी की बात करी थी? क्या काला धन आया इस देश के अंदर? हाँ, मोदी जी ने वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे आज एक भी स्मार्ट सिटी गिनवा दीजिए कि ये स्मार्ट सिटी है। किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? मोदी जी ने खुद ने बोला कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर ले आएंगे। उनके चेले चपाटों ने बोला 3500 रुपये लीटर पेट्रोल ले आएंगे। क्या 35 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ क्या? क्या जो युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, आज के तारीख के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां रखी हुई हैं, क्या युवाओं को सरकारी नौकरी मिली? क्या नहीं मिली ना। और आपने बात करी कि क्रूज आ गया है अब। जी सर। कल रात मेरे सपने के अंदर चित्रगुप्त आए और वो खुद बोल के गए, चिंता मत कर बेटा, कल फिर मोदी उठेगा, कुछ नई सौगात देके जाएगा। सौगात देके गया तो सूट बूट वालों के लिए देके गया। मोदी जी सूट बूट वालों को तो सौगात देके गए हैं, हम लोगों को कौन सी सौगात दे दी? बताइए आप मुझे कि क्या मोदी जी ने 17 घंटे इतना काम किया कि क्रूज ला के दे दिया? हाँ, वहां पे जो लोकल है ना, वहां पे जो नाव चला रहे हैं है ना, वहां पे जो लोग नाव चला रहे हैं उनको क्या रोजगार मिलेगा? इससे उनका तो रोजगार खत्म होगा है ना। कैसे? नहीं, क्यों खत्म? सौगात है ना, कैसे सौगात है? क्या आप 19 लाख रुपए देंगी? मेरे पास तो नहीं है, है ना। इस देश की जनता जो है इस टाइम पे गरीबी के तबके के अंदर है ना। और देश का विकास का जो मॉडल बना दिया गया है वो 5 किलो अनाज देके बना दिया गया कि गरीब खुश रहे, है ना। जो गरीब आवाम है, जो वंचित आवाम है, जो शोषित आवाम है, उसको 5 किलो राशन दे रहे हैं, है ना। और 5 किलो राशन से वो लोग पेट भर रहे हैं। क्या वो गरीब आवाम वहां जाके आपका जो क्रूज है उसके अंदर क्या मतलब उसका लुफ्त उठा पाएगी? आप मुझे बताइए सर। पानी में तैरता आलिशान महल देश की जनता को मिला ना सर। खाली खाली क्रूज, सूट बूट वाले लोग ही तो जाएंगे। क्या देश की गरीब आवाम जो है उसके लिए कुछ किया? हाँ, आटे पे GST ठोक दिया है ना, चावल पे GST ठोक दिया, यहां तक की है ना कफन पे GST आज के समय के अंदर। और आप कह रही हो कि एक सौगात दे दी, ये कौन सी सौगात है? मोदी क्या तो इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, खासकर युवाओं को। मैडम मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, वहां पे जो ऑलरेडी जो नैया चलाने वाले लोग हैं, जो नाव चलाते हैं है ना, क्या उनको रोजगार मिलेगा? इससे नहीं मिलेगा, उनका रोजगार घटेगा। वहां पे लोग वहां पे मतलब कि उस जो नाव जो चल रही है ना, जो पैसे वाला व्यक्ति वहां पे जाके आरती वगैरह देखता है, गंगा माता की आरती के दर्शन देखता है, वो नहीं देख पाएगा, वो तो क्रूज को प्रेफर करेगा। लेकिन पहले के लोग पत्ते लपेट के घूमा करते थे, लेकिन अब तो गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और क्रूज देश को एक तरीके से शान दे रहा है ना। मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी ने वही हालत दोबारा कर दी है कि आज के जो लोग हैं वो पत्ता लपेटने में मजबूर हो चुके हैं और देश का विकास इस कदर वो कर चुके हैं, है ना। गरीब जनता गरीब की गरीबी रेखा के अंदर है, 5 किलो राशन देके आप अपनी गरीबी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और आप बोल रही हो कि क्या नाम है, आप आज के समय में पहले बैलगाड़ी पे घूमते थे, अब गाड़ी घोड़ों पे घूम रहे हैं। अरे अगर आप बात करेंगे GDP के ऊपर, है ना, इन गवारों को तो पता भी नहीं होगा GDP क्या होती है ना। आप बात करेंगे तो देश की जो GDP का जो स्तर है पिछली सरकारों से नीचे है ना। और आप बात कर रहे हो कि क्रूज आ गया, अरे क्रूज आ गया तो इससे गरीब का क्या फायदा है? आप मुझे एक फायदा गिनवा दें। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं, आप मुझे एक फायदा गिनवा दें इससे गरीबों का फायदा है। एक गिनवाइए आप मुझे देश का, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रूज आप मुझे पीएम मोदी है तो मुमकिन है ना। आप मुझे एक फायदा गिनवाइए इस क्रूज से, एक फायदा होने वाला है, गिनवाइए आप मुझे। पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी सर, देश को फायदा होगा, पर्यटकों की संख्या बढ़। मैं देखिए मैं अब वाह
क्या इस देश के अंदर देश के लोगों का सोचना उचित नहीं है? क्या देश का तो ऐसा उचित सोचते हैं कि लोगों के कफनों पे है ना जीएसटी लगा दिया, इस कदर इनका भला सोच रखा है। देश के अंदर जो युवा बेरोजगार घूम रहा है ना, उनको लगा दिया सिर्फ खाली बायकॉटों पे, है ना, उनको रोजगार नहीं दे रहे, जबकि सरकार की सरकार के एक आंकड़े के हिसाब से इस देश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मैडम, उसको भरते तो शायद लगता विकास हो रहा है ना। अगर उनको विकास करना था, है ना, जो महंगाई की मार से जो इस देश की जो जनता परेशान है, हायाकार मचा पड़ा है महंगाई का, है ना, अगर उस पर वो काम करते तो शायद विकास का मुद्दा होता। पर क्रूज पे ये सोचने का विषय है मैडम कि क्रूज पे क्या मतलब कि क्या होगा, उससे क्या क्या रोजगार मिलेगा। मैडम, पीएम मोदी कह रहे हैं कि क्रूज जहां से भी होकर गुजरेगा वहां से विकास की नई लाइन को तैयार करेगा। अरे वाह, विकास की नई लाइन तैयार होगी, क्या उसे सिर्फ खाली देखने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एक मनोरंजन की सरकार बन चुकी है अब, है ना, इनके वादे खोखले हैं, इनके इनके इरादे खोखले हैं और इस देश को खोखला करने के लिए आए हैं। क्या वहां पे खड़ा हुआ एक गरीब व्यक्ति से उसको देखेगा तो सही कि वाह क्या क्रूज है, जैसे मोदी जी है ना, वाह मोदी जी वाह, है ना, ऐसी गरीब वहां पे खड़ा होकर बोलेगा वाह क्या क्रूज है। अगर आपको ये लोग ये चीजें करवानी है तो करवाइए, देश को मनोरंजन के अंदर डालना है आप मनोरंजन के अंदर डालिए, आप करवाइए ये सब चीजें। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए जो जो कार्य मोदी जी को करने चाहिए थे, है ना, जो उन्होंने वादे करे थे, जो अपने विस्तार से उन्होंने वादे करे थे कि काला धन वापस लेके आएंगे, है ना, नोटबंदी से फायदा होगा, है ना, और जीएसटी सही जगह पे लगाएंगे, है ना, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, है ना, उन्होंने बात करी थी महिला सुरक्षा की, बात करी थी उन्होंने, बात करी थी कि देखिए अभी महिला सुरक्षा पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, आज तक के खुद के वहाँ पे एंकर नोएडा के अंदर, है ना, नोएडा के अंदर वहाँ पे जो रिपोर्टर थी वो खुद धरातल पे आके रिपोर्टिंग कर रही थी रात के 1 बजे, है ना, वहाँ का आपको महिला सम्मान और सॉरी महिला सुरक्षा की बात का जो ढकोसलेबाजी जो चल रही है ना आजकल, भारतीय जनता पार्टी बहुत कह रही है महिला सम्मान है हमारी सरकार के अंदर, हमारी सरकार के अंदर महिला सुरक्षा है, तो वो ढकोसलेबाजी की जितनी भी चीज़ें थी वो खुल गई थी उस दिन, है ना, जब वहाँ की एंकर को छेड़ा गया, है ना, तो सब चीजें खुल गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं इस देश से, वो सिर्फ और सिर्फ खाली सांप्रदायिकता तोड़ने का काम कर रही है इस टाइम पे। वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, है ना, कहाँ हैं आप, मुझे एक चीज़ भी बताइए कहाँ हैं? सिर्फ उनके बड़े बड़े नेता, उनके प्रवक्ता सिर्फ खाली बैठ के इस देश की जनता को, भोली वाली जनता का समय खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश का जो भविष्य है आने वाला, है ना, वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 सालों में देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। मैंने 8 साल के अंदर आपको सारे पॉइंट गिनवाए कि वो वादा करके आए थे, है ना, वो जितने उन्होंने वादे करे उनमें से मुझे एक वादा बताइए। और मुझे देखिए, आप दूरबीन लगाओ, पहले आप एक दूरबीन लगाओ और मुझे एक सिटी दिखाओ, एक स्मार्ट सिटी दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। 5 स्टार स्मार्ट टेंट तो दे दिया ना, धीरे धीरे स्मार्ट सिटी भी मिल जाएगी। मैडम देखिए, इस क्रूज से कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना, इस क्रूज से कोई समझा दीजिए कैसे, आप इस देश की जो गरीब आवाम है क्या आप लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं? क्या ये सरकार इस देश की जो आम जनता है, मिडिल क्लास जनता है, गरीब जनता है, उसकी क्या दुश्मन बन चुकी है? क्या आप मुझे बताइए कि सिर्फ और सिर्फ खाली सूट और बूट वाले जो लोग हैं उनके बारे में क्यों सोचा जा रहा है, उनके लिए चीजें क्यों सोची जा रही है, आप बताने की कोशिश करिए मुझे, है ना। और देखिए, अगर आप मोदी जी खुद कह के आए थे कि हम गरीब जनता के लिए काम करेंगे, है ना, हम 17 घंटे इतनी मेहनत करेंगे देश के अंदर से आपका महंगाई घटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, आज के समय के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने की बात करी थी पर गरीबी नहीं मिटा पाए, गरीबी मिटा दी है आज, गरीब मिटा दिए हैं आज। स्मार्ट होना गलत है, नई नई टेक्निक्स को लेकर आना गलत है? मैडम देखिए, मैं गलत नहीं मानता, है ना, स्मार्ट होना चाहिए, चीजों का विकास होना चाहिए, पर चीजों का जो विकास होना चाहिए ना वो आम लोगों के लिए होना चाहिए, आम आवाम के लिए होना चाहिए और धरातल पे स्मार्ट होना चाहिए, है ना, ग्राउंड पे अगर स्मार्ट होते, अगर किसान की आय दुगनी होती तो अगर हम फक्र से कहते कि हाँ हम स्मार्ट हुए हैं, अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो हम फक्र से कहते कि हाँ हम स्मार्ट हुए हैं, अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते वहां पर अगर हम स्मार्ट होते, महिलाओं की सुरक्षा कर पाते तो हम स्मार्ट कहते। और हाँ मैम, मैं एक बात और बोलूंगा, 140 करोड़ की आवाम के अंदर जी। 140 करोड़ की आवाम के अंदर 80 करोड़ आवाम को 5 किलो का राशन मिलता है, क्या आप सोचती हैं कि ये स्मार्ट हैं, ये स्मार्ट वर्क है? नहीं मैडम, ये स्मार्ट वर्क नहीं है और ये स्मार्ट नहीं हो रहे, हम फ्लॉप हो रहे हैं। हम जो आप ये सोचिए कि हमारी जो देश की जो मीडिया है उसका स्तर भी इतना निचले स्तर पर है कि हमें नीचे से देखना पड़ता है कि हम पहले नंबर पर हैं दूसरे नंबर पर, है ना, हम कोई स्मार्ट नहीं हो रहे, हम सिर्फ और सिर्फ खाली बर्बाद हो रहे हैं। और ये इनकी जो नीतियाँ हैं और इनकी जो नीतियाँ हैं और जो इनका
विजन है उसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। देश का सबसे लंबा क्रूज जो किसी ने नहीं दिया, जो कोई दे ही नहीं पाया, वो पीएम मोदी ने दिया। नारा भी दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज क्रूज हमको मिल गया। देखिए बिल्कुल सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। मनोरंजन की दुनिया में आप लोग भी लगे रहो, इस देश की जनता को भी लगाए रखो, है ना। देश की जनता के पर्स के अंदर कितने रुपए हैं ये मोदी जी को नहीं पता, पर 19 लाख रुपए किराया कर दिया, स्मार्ट टेंट लगा दिए गए, है ना। फिर जब बारिश आए वहाँ पे आंधियाँ आए, है ना, उन टेंटों को कंधे पे डालो, स्मार्ट बन जाओ, उन्हें लेके चले जाओ, है ना। पर वहीं पर अगर वहाँ के जो नाव करता थे, है ना, अगर उनकी बोटों को स्मार्ट बनाया जाता, सरकार उनको एक सब्सिडी के तहत में अगर उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश करती तो वो बेचारे पैसा ज्यादा कमाते, है ना। तो जितने भी बाहर के लोग आए थे तो सस्ते बजट के अंदर हर एक व्यक्ति उन स्मार्ट बोटों के अंदर घूमता, है ना। सरकार को अगर स्मार्ट बनाना चाहिए तो जनता को बनाना चाहिए, है ना। सरकार जो स्मार्ट बना रही है सिर्फ और सिर्फ खाली उद्योगपतियों को स्मार्ट बना रही है, और हाँ सिर्फ और सिर्फ खाली सूट बूट की सरकार है, सूट बूट की सरकार है मैडम, मैं तो बार बार कहूंगा, और सूट बूट वालों का ही विकास हो रहा है। और विकास इस कदर कर दिया गया है कि देखिए अब सिर्फ खाली हम लोगों को, है ना, आप लोगों को नहीं कहेंगे हम, है ना, हम लोगों को सिर्फ खाली अब पत्ते पहनने बाकी रहे, केले के पत्ते पहन लेंगे, उस दिन हम विकास में आ जाएंगे, उस दिन हम स्मार्ट बन जाएंगे। सरकार की नीति यही है। कौन से चश्मे से? आपके चश्मे से? आपने सुना नहीं पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी जी जो भी करते हैं उसमें आपको कमियां दिखाई देती हैं, कभी तो तारीफ की। आप कभी धरातल पे गई? आप कभी ग्राउंड पे गई? आप गई? आप कभी गई? आपने देखा कि गरीब कितना परेशान है, किसान फांसी। हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा, हमने लगातार बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाया, हमने लोगों के बीच जाकर जाना। आपको ये मुद्दा, आपको ये चीज कैसे परफेक्शन लग सकती है? दिक्कत क्या है? तो आप सुनिए तो सर, 51 आप इतना पैसा लगा के क्रूज बना रहे हैं, इतने में मैंने बोला वहां पे जो लोग जो बोट और नाव चला रहे हैं उनकी बोटों को स्मार्ट कर देते, वहां के लोगों को अच्छा खासा रोजगार बढ़ता। क्या सरकार की इतनी भी हैसियत नहीं रहेगी कि सरकार वहां के जो लोग हैं उनको स्मार्ट कर दें? आप बात करिए क्रूज क्रूज क्रूज, और मैं बोल रहा हूं हकीकत में तीन ही लोगों का फायदा है मैडम, एक तो मोदी जी और एक आप जैसे पत्रकार लोग जिनको वो चीज स्मार्ट लग रही है मैडम, है ना। और तीसरा तो सुन लीजिए कौन है अडानी जी को फायदा होगा, बाकी किसी को कोई फायदा नहीं वाला। ये सब देखिए आप सरकारी संस्थाएं बेचते जा रहे हैं तो आपको स्मार्ट लग रहा है ना। आपने इस टाइम पे किसान, हमारे किसान भाई जो जमीन को खोद के सोना निकाल देते हैं, है ना। देखिए सोना, मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैडम जो जमीन को चीरता है ना, वहां से जो हमारे लिए खाना और गेहूं निकालता है, अनाज निकालता है, वो सोना ही होता है ना। जो किसान सोना निकालता है इस धरती को चीर के, है ना, वो किसान लटका हुआ है। और आप बात करिए स्मार्ट की, तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का और शर्मनाक विषय है कि आपको ये चीज स्मार्ट लग रही है, ये गलत है, है ना। और सरकार को अगर आप सुनिए तो 21 दिन का सफर, 32 किलोमीटर आप तय करेंगे, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, कुल 17-18 नदियां उसमें आएंगी, ये सफर या अनुभव मात्र 19 लाख रुपए में कम है। सही तो अच्छा तो है आपके पास है 19 लाख रुपए आपके पास है। आप कल आपने बोला, हाँ मैंने आपके चैनल देखा था, है ना, मैंने आपका चैनल देखा था, कल आप पब्लिक में थी, है ना, वहाँ पे काफ़ी सारे, है ना, जनता थी, है ना, वो गरीब जनता, मैं भी गरीब जनताओं में से एक हूँ, है ना, वो गरीब जनता थी, है ना। क्या उससे एक बार जाके पूछना, और उससे अगर आप पूछेंगे ना तो आपको सच्चाई सारी मिल जाएगी। 19 लाख उसके पास है, तो जिसके पास होगे वो तो जाएगा ना, जिनके पास है मैं भी बताइए, जिनके पास है वो तो जाएगा, इसका अनुभव लेगा, नहीं तो विदेश जाना पड़ता था। देखिए सर, विदेश जाना पड़ता था। वो कुछ ही लोग हैं जिनके पास पैसा है मैडम, जनता के पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की रीढ़ तोड़ रखी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है सरकार ने, है ना। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि मिडिल क्लास के पास कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बचा, मिडिल क्लास इस टाइम पे वंचित है, वो कहाँ से लेके आएगा? क्या ये सरकार सिर्फ खाली अमीरों की सरकार है? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खाली अमीरों के लिए सोचती है? सरकार सिर्फ खाली जो काम कर रही है वो अमीरों के लिए कर रही है? सरकार जो है, देखिए सरकार सबके लिए होती है ना, सरकार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती। ये तो वही वाला हो गया दौर 1947 वाला, जो जिनके पास पैसा है, राजा महाराजों के पास पैसा था तो वो रोल्स रॉयस में घूमते थे, बाकी की आम आवाम किस में घूमती थी? बैलगाड़ियों पे, है ना। तो कुछ सरकारें आईं जिन्होंने इन सब चीज़ों के अंदर काम किया आज़ादी के बाद, कि आज के टाइम पे एक मिडिल क्लास के पास भी गाड़ी है, आज के टाइम में एक व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल है, है ना, उन्होंने काम किया, है ना। पर आज जो ये सरकार पिछले 8 साल से सत्ता के अंदर है, क्या वो काम कर पा रही है ना? नहीं कर पा रही ना। मोदी जी खुद कहते थे
कि एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठेगा। आज हवाई जहाजों के टिकटों के रेट देख लो, क्या वो अपने उसमें बैठ पाएगा, मतलब हवाई जहाज में बैठ पाएगा? मुझे नहीं लगता गरीब इंसान हवाई जहाज में बैठ पाएगा, है ना। 500 रुपए की दिहाड़ी है आज एक गरीब व्यक्ति की, दूध ही 63 रुपए लीटर है, है ना। कहां से वो बेचारा कर पाएगा? वो बीवी बच्चे पालेगा, वो क्रूज में बैठने जाएगा? ये सोचने का विषय है। इनके आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, है ना, बजरंग दल वालों ने, है ना, जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे कितना चंदा इकट्ठा किया और सारा चंदा पी गए ये लोग, है ना। तो ये लोग धर्म का जो धंधा बना रहे हैं, है ना, ये सही नहीं है, है ना। धर्म जो है, और जो आपने बोला आरती का जो विषय है ना, वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का जो विषय है वो आस्था का होता है। वहां पे आप, मतलब कि आपने वहां पे कोई ना कोई एक रेट तो आप लगाओगे। किसी गरीब के पास नहीं हुआ पैसा, मैं तो कह रहा हूं मेरे पास नहीं हुआ पैसा, क्या मैं आरती देखने नहीं जाऊंगा, क्या मैं आरती करने नहीं जाऊंगा? ये गलत है। तो सर, इससे गरीबों को फायदा या नुकसान कैसे देखते हैं? मैम, जब से मैंने आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, जब से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ कि इससे गरीबों को नुकसान है, वहाँ की जनता को नुकसान है, है ना, वहाँ के लोगों को नुकसान है। देखिए, सरकार का काम सबका विकास करना होता है, और ये सरकार आई थी इस वादे पे सबका साथ सबका विकास करने के लिए। सबका साथ सबका विकास तो नहीं कर पाई, गरीबों को उजाड़ दिया है सरकार ने। गरीब अब थरथराता है, है ना। सरकार की कोई भी योजना आती है ना, नहीं, वो पहले सोच लेता है हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, भला होगा सिर्फ खाली कॉर्पोरेटेड लोगों का। तो सर, इस सौगात को आप कैसे देखते हैं, कि फेल होगा या पास? मैम, ये फेल होगा, सिंपल इज दैट, ये फेल होगा। वो इसलिए फेल होगा क्योंकि सरकार को गरीब लोगों के बारे में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गरीब लोगों के बारे में, मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनके बटुए में पैसा नहीं है, तो वो 19 लाख रुपए कहाँ से देगा? ये सोचने का विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहित गोर, जिनका कहना है कि आलिशान क्रूज से गरीबों का कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि गरीबों पर एक तरीके से हथौड़ा चला दिया सरकार ने। सबका साथ सबके विकास की बात सरकार करती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं गरीब लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, और एक तरीके से सिर्फ सूट बूट वाले, जैसे सर ने भी बताया कि सूट बूट वालों का फायदा है, और वही लोग उसकी आलिशान अनुभव कर सकते हैं, उस यात्रा को जाकर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्रूज को लेकर आप क्या सोचते हैं, सौगात से आप कितने खुश हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा।